गाइज, हम हमारे डे टू डे लाइफ में इस प्रकार की सेंटेंसेस की बहुत यूज करते हैं, जहाँ पर हम कहते हैं कि अब तक उसे पढ़ाया जा चुका होगा, सारा काम शायद अब तक खत्म किया जा चुका होगा, जरूर अब तक उसके विवाह की तिथि निश्चित की जा चुकी होगी। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर के यूज करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम पैसिव सेंटेंसेस कहते हैं, क्योंकि इन सारे सेंटेंसेस में हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। जब आपकी हिंदी के वाक्य के अंत में या चुका होगा, या लिया होगा, या फिर किया जा चुका होगा, ये सारे दिखाई दे, तो इन सारे सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में लिखने के लिए या फिर बोलने के लिए ये स्ट्रक्चर फॉलो कर देनी है। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी है ऑब्जेक्ट, इसके बाद वुड हैव बीन, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद आपको यूज कर देनी है बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। अब तक उसे पढ़ाया जा चुका होगा, देखिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि उसे पढ़ाया जा चुका होगा, कौन पढ़ाया होगा ये नहीं बताया गया है, खाली इतना कहा गया है कि उसे पढ़ाया जा चुका होगा। यानी ये सेंटेंस जो है ये फ्यूचर परफेक्ट में है। अगर फ्यूचर परफेक्ट में कोई पैसिव सेंटेंस आपको दिखाई दे तो ये रूल आपको फॉलो करनी है। ऊपर के रूल के हिसाब से हम इस सेंटेंस को लिखेंगे, ही वुड हैव बीन टॉट टिल नाउ, ही वुड हैव बीन टॉट टिल नाउ, सारा काम शायद अब तक खत्म किया जा चुका होगा, ऑल द वर्क माइट हैव बीन कंप्लीटेड टिल नाउ, ऑल द वर्क माइट हैव बीन कंप्लीटेड टिल नाउ, कुख्यात डकैत पुलिस के द्वारा अब तक एनकाउंटर में मार दिया गया होगा, द नोटोरियस डकैत वुड हैव बीन किल्ड इन द एनकाउंटर बाय द पुलिस टिल नाउ, द नोटोरियस डकैत वुड हैव बीन किल्ड इन द एनकाउंटर बाय द पुलिस टिल नाउ, जरूर उसे अब तक पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका होगा, ही मस्ट हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस टिल नाउ, ही मस्ट हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस टिल नाउ, जरूर अब तक उसके विवाह की तिथि निश्चित की जा चुकी होगी, द डेट ऑफ हिज मैरिज मस्ट हैव बीन फिक्स्ड टिल नाउ, द डेट ऑफ हिज मैरिज मस्ट हैव बीन फिक्स्ड टिल नाउ, अगले रविवार तक सारा काम खत्म किया जा चुका होगा, ऑल द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट संडे, ऑल द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट संडे, सारा काम शायद अब तक खत्म किया जा चुका होगा, ऑल द वर्क माइट हैव बीन कंप्लीटेड टिल नाउ, ऑल द वर्क माइट हैव बीन कंप्लीटेड टिल नाउ।